हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेजवन फ्राइड राइस बनाकर दिखाने जा रही हूँ। ये एक इंडो चाइनीज डिश है, इसे बच्चे और बड़ों दोनों को ही काफी पसंद आती है। तो चलिए सेजवन फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सेजवन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए चावल 200 ग्राम, सब्जियों में हमें चाहिए बारीक कटा हुआ बीन्स 100 ग्राम, 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 1 छोटा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज गाजर बारीक कटा हुआ, 5 से 6 पीस लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, नमक स्वादानुसार, विनेगर 1/2 टेबल स्पून, शेजवान चटनी 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कस्तूरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, स्प्रिंग अनियन 1 छोटी कटोरी, 2 पीस हरी मिर्च जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, खड़ा जीरा 1/2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी, वाटर राइस को कुक करने के लिए, ऑयल फ्राइड राइस बनाने के लिए, शेजवान फ्राइड राइस मसाला। यहाँ पे मैं शेजवान फ्राइड राइस मसाला यूज कर रही हूँ। आजकल ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये मसाला ना मिले तो आप इसकी जगह पे 1/2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली एंड रेड चिली सॉस यूज कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और कुकर चलाएंगे। मैंने यहाँ इस ग्लास से चावल का मेजरमेंट किया है। इस ग्लास से मैंने 2 ग्लास चावल लिया है, तो मैं इसका 1.5 गुना पानी डालूंगी। इसका मतलब 3 ग्लास मैं पानी डालूंगी। तो आप भी ऐसा ही करें, आप जिस भी ग्लास से अपने या कटोरी से मेजरमेंट करें उसका 1.5 गुना पानी डालें चावल को पकाने के लिए। अब हम कुकर में 3 ग्लास वाटर डालेंगे। पानी में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। पानी में नमक और तेल डालकर इसे बॉईल होने दें और इसके बाद हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें अपनी धुली हुई चावल डाल देंगे। चावल डालकर अब हम प्रेशर कुकर बंद करेंगे और इसे 1 सीटी लगने तक चावल को हम पकाएंगे। चावल पककर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 1 प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं राइस बिल्कुल परफेक्ट पककर तैयार है। और कढ़ाई चलाएंगे, कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और इन सब अच्छी तरह एक बार फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें अपनी कटी हुई सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले प्याज डालें, और प्याज को थोड़ा 1 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम हाई रखें। अब हम इसमें कटी हुई बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करें।
सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आधी छोटी चम्मच नमक, नमक हम यहाँ कम यूज करेंगे क्योंकि चावल में भी हमने पकाने वक्त नमक डाला है और हमारे शेजवान चटनी और मसाला शेजवान फ्राइड राइस मसाला में भी नमक है, इसलिए नमक का इस्तेमाल कम करें। शेजवान फ्राइड राइस मसाला 2 छोटी चम्मच, शेजवान चटनी 1 टेबलस्पून। अब हम मसालों को अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट सब्जियों के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आप ध्यान रखें कि चावल हमेशा ठंडा करके ही फ्राइड राइस बनाएं। अगर आप गरम चावल डालेंगे तो मसालों के साथ मिक्स करते हुए चावल के दाने टूट जाएंगे और फ्राइड राइस अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। और इसे चावल को अच्छी तरह सब्जियों के साथ मिक्स करें। आप चाहें तो इसे ऐसे टॉस भी कर सकते हैं, इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और आपका फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनेगा। या आप इसे ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसालों के साथ चावल को। फ्राइड राइस बनकर तैयार है और अब हम गैस ऑफ कर देंगे। बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा शेजवान फ्राइड राइस बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। शेजवान फ्राइड राइस बनकर तैयार है। आप इसे ड्राई पनीर चिल्ली या मंचूरियन के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और इसे ड्राई पनीर चिल्ली के साथ सर्व करें, जिसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है। आप उसे क्लिक करके ड्राई पनीर चिल्ली की रेसिपी को देख सकते हैं।